हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मनीषा राजू ब्लॉग में। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग, आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो गाइज अभी हम ड्यूटी से आए हैं और अब हम जा रहे हैं राजेंद्र जी के पास। और राजेंद्र जी हम दिखाएंगे कि आज वो क्या काम कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। और गाइज आज के बाद राजेंद्र जी कोई कंपनी वंपनी काम नहीं जाएंगे, आज से खुद का काम करेंगे, खुद की जॉब करेंगे। तो हम बताएंगे कि क्या जॉब करेंगे, क्योंकि वो कंपनी छोड़ दिए हैं, क्योंकि कंपनी में उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ 8-9 हज़ार रुपये मिलते हैं। और उनसे ये बोलते हैं कि मैं इतने से पैसे में काम। तो गाइज राजेंद्र जी एक टूटा फूटा ठेला उठा लाए, पता नहीं कहाँ से लाए, और बहुत महंगा लिया है, लेकिन उसको चकाचक कर लिया। आप दिखाएंगे कितना चकाचक कर लिया। अब देखे, अब हम जा रही हूँ राजेंद्र जी के पास और आपको दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। देखो तो ये देखो गाइज राजेंद्र जी देखो कैसे पुताई कर रहे हैं। आज सारा दिन हो गया इनको, सुबह से शाम हो गई, इनका पेंट नहीं हुआ। और ये देखो ठेला बहुत पुराना ठेला था, इतना टूटा फूटा कबाड़ा था, उसको देखो एकदम चकाचक कर लिया इन्होंने। और देखो क्या नाम लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है जय बजरंग बली। फिर देखो इन्होंने मेरे नाम से पतासी का ठेला लगाया है, मैंने बोला था अपने नाम से लगा लेना, लेकिन नहीं, इनको तो बोलते हैं तेरे नाम से चलेगा। और देखो क्या नाम लिखा है, प्रो राजेंद्र सैनी। इनके मोबाइल नंबर मनीषा पतासी, चाउमीन बर्गर दही पतासी लाल सोटू वाले। और इधर ऊपर लिखा है आर्य का सहारा, बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम। और देखो गाइज इसकी फ़ोटो बताऊंगी आपको, इसमें डालूंगी कि कितना कबाड़ा हुआ ये था ठेला, लेकिन इतना अच्छा कर लिया इन्होंने सजा दजा के, ऐसे तो कभी मेरे को भी नहीं सजाया होगा इन्होंने। और देखो अब तक लगे हुए कम से कम 12 घंटे हो गए इसमें लगे इनको। और अब हम इनको पूछेंगे कि ये किस चीज़ का ठेला लगाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, तो बताइए। यार पतासी को लगा सी फुताई करवा दी गाइस, जाइए जाइए यार थक गया बहुत। तो गाइस सही है ना ठेला, आप सब बताना मेरे को कमेंट करके कि हमारा ठेला कैसा है। तो गाइस और भगवान से प्रार्थना करना कि हमारा ठेला ठीक से चले। देखो सारा दिखा देती हूँ एक बार और आपको। वैसे भी इनको बहुत दिन हो गए थे, ये बोलते थे कि मैं कंपनी में काम नहीं करना चाहता, मेरे से मेरा मन नहीं लगता, वहाँ पर पैसे बहुत कम देते हैं। तो मेरे को बार बार कहते थे कि मैं अपना खुद का काम करना चाहता हूँ, तो इसीलिए इन्होंने ये ठेला ले लिया है। और ये ठेला हमारे बहुत महंगा पड़ा है और इनका काम खर्चा निकलवाने में बहुत महंगा। गाइज राजेंद्र जी को तो 2 दिन हो गए, बहुत खुश है और मैं भी इनके साथ बहुत खुश हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि दूसरों की गुलामी करते हैं, इससे अच्छा है कि अपना खुद का काम करे, खुद का धंधा करे, 2 पैसे आए तो वो अपना हो, दूसरे की गुलामी करने में कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी वहाँ पे इतना पैसा मिलते भी नहीं है कंपनी में जितना काम में काम करना, बहुत मेहनत का काम करवाते थे गाइज, और उसमें भी बहुत माथा फोड़ी करनी पड़ती थी गाइज। ये वोट फूटा हुआ है ऐसा मत मानना, कुछ लगा हुआ है वहाँ पे ना, बहुत परेशान करते थे, लगा रखा है बहुत काम कर रहा हूँ गाइस। 2 दिन हो गया, कलर पुताई कर दिया झक्कास और बना दिया, पानी पूरी बेचूंगा और अपनी जिंदगी में मस्त रहूंगा। आप भी मस्त रहो और मनीषा जी भी यही चाहती है कि चाहे दिन के 200 रुपये हो लेकिन अपना धंधा करो। और हमारा तो हालांकि हमें कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मैं जो ठेले से कमाऊँगा उससे हमारा राशन और घर का खर्चा चल जाएगा, रहन सहन बाकी मैं देख लूँगा ठेले से, बाकी भगवान की मर्जी। और मनीषा जी कंपनी में काम करी थी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है गाइज, तो इनका बच जाएगा और मेरे से मेरा घर का खर्चा चल जाएगा गाइज। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है ही तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं। कैसा लगा मेरा ठेला एक कमेंट करके बताएं। और गाइज एक पानी पूरी का ठेला लगा रहा हूँ, कोई गलत तो नहीं है, आप कमेंट में बताएं आपकी क्या इच्छा है, इसमें क्या लगाऊँ क्या नहीं लगाऊँ। तो गाइज आज का ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, और हमारा ठेला आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा, और आई लव यू। और गाइज अब मैं भी जा रही हूँ, आज मेरा भी माता जी का व्रत है, तो अब जा रही हूँ खाना वाना बनाऊंगी, क्योंकि मैं कंपनी से आई हूँ और अब जा रही हूँ खाना बनाने। तो गाइज ये टोटली ठेला मेरे 7,000 रुपये का है, जिसमें टोटल खर्चा है अभी तक जितना, कलर और टायर ट्यूब पूरा टोटली टायर ट्यूब नया है, और पानी पूरी का गाइज लेकिन अभी तक इसमें जो बीच में पानी पूरी रखते हैं वो हमें खुद बनवाना पड़ेगा। तो गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।